ना टूटेंगे ना बिखरेंगे और ना ही चावल भिगोना ना पीसने की मेहनत, एकदम खस्ता क्रिस्पी अनरसा मिठाई बनेगी झटपट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत बहुत फेमस और सबकी पसंदीदा अनरसा मिठाई। तो अनरसा किस तरह से हलवाई इतनी खस्ता और इतनी टेस्टी बनाते हैं, बिल्कुल वही सीक्रेट सबको बताऊंगी। साथ ही अनरसा बनाने में जो वो शिकायत होती है कि टूट गए, बिखर गए, सख्त हो गए, कोई भी शिकायत नहीं आएगी, ऐसी खास टिप्स आपको बताऊंगी। और एक बार बनाइए, 15 दिन के लिए स्टोर कर लीजिए, बिल्कुल खराब नहीं होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुपर टेस्टी और सावन की बहुत ही स्पेशल हलवाई स्टाइल खस्ता क्रिस्पी अनरसा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप चावल का आटा। मेजरमेंट के लिए कोई भी घर की कटोरी ले लीजिए या कप ले लीजिए, उस अनुसार आप पूरा मेजर कर सकते हैं। आजकल तो बाजार में चावल का आटा रेडीमेड खूब मिल जाता है, तो बस आज मैं ये उसी से बता रही हूँ। तुरंत से आपके मिनटों में अनरसा तैयार हो जाएंगे और कोई भी डिफरेंस नहीं लगेगा आपको हलवाई वाले अनरसा में और इससे बने अनरसा में। अब जो सीक्रेट चीज मैं इसमें डालने वाली हूँ, जिसके बाद तो सारी शिकायतें ही खत्म हो जाएंगी कि अनरसा बिखर गए या टूट गए या सख्त बन गए, कुछ भी नहीं होगा। आप इसमें डालें 1/4 कप गेहूं का आटा। आप इसकी जगह पर मैदा भी डाल सकते हैं, पर आप आटा डालेंगे तो आपको ज्यादा खस्तापन और बढ़िया लगेंगे। साथ ही यहाँ फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर लाइक करें तो डालें, वरना इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छे से तीनों ही चीजों को पहले बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। यकीन मानिए, जब आप इस तरह बनाएंगे तो घर के बच्चे हों या बड़े, सबको पसंद आने वाली है ये ऐसी रेसिपी है। अब गैस पर चढ़ाएंगे 1 कढ़ाई या बड़ा भगोना, और इसमें मैंने लिया है 1.5 कप पानी। यानी जिस कटोरी या कप से आपने चावल का आटा लिया उसी से आप पानी लें। तो ये हो गया 1 कप और ये 1/2 कप। हाई फ्लेम पर पानी को पहले बढ़िया से उबाल आने देंगे, और ये देखिए पानी में बढ़िया उबाल आ रहा है। तो बस इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे 6 बड़े चम्मच चीनी। जितनी क्वांटिटी मैंने ली है उस हिसाब से 6 बड़े चम्मच, यानी ये वाली चम्मच मैंने ली है, बहुत रहेगी। आप मीठा अपने अनुसार थोड़ा सा कम ज्यादा भी कर सकते हैं। चीनी फटाफट डाल देंगे और अच्छे से करेंगे मिक्स। कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना भर तक कि चीनी घुल जाए। इससे पहले अनरसा मैंने आपके साथ गुड़ से कैसे बनाएं, यानी जैगरी के साथ कैसे बनाएं, वो रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो चीनी की जगह इसे गुड़ से भी बना सकते हैं। और ये देखिए बस 1 मिनट लगा है और चीनी पूरी घुल गई है। अब फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो, और लो फ्लेम पर जो भी हमने आटा तैयार किया ना, धीरे धीरे कर आटा डालते जाएंगे एक हाथ से, और दूसरे हाथ से बढ़िया से मिक्स करते जाएंगे, जिससे कि सारा आटा एकदम बढ़िया से पानी के साथ पूरा फूल जाए। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। बहुत आसान है अनरसा बनाना, जिस तरह आज मैं ये बता रही हूँ आपको कोई शिकायत भी नहीं आएगी। इतने टेस्टी बनेंगे ना कि घर के बच्चे तो पूरे दिन आपसे आके मांगेंगे। ये देखिए अच्छे से करेंगे सभी चीजों को मिक्स। अब यहीं पर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 बड़ा चम्मच घी। इससे जो हमारे अनरसा है उनमें खस्तापन आएगा और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर के साथ अनरसा तैयार होगा। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, पर घी से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खस्तापन बढ़िया आता है। अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर देंगे, गैस को कर देंगे बिल्कुल बंद, और पूरे आटे को एक बड़े बर्तन या बड़ी परात में इस तरह निकाल लेंगे। अब यहाँ जो सबसे जरूरी पॉइंट है, आटे को आपको पूरी तरह ठंडा नहीं होने देना है, और जब ये छुरे लाइक हल्का सा ठंडा हो जाए, हल्का सा बस, हाथ से बिल्कुल बढ़िया से इसको स्मूथ हमें मसल कर तैयार करना है। सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप पहली बार भी इसको बनाए ना तो आपकी परफेक्ट बने अनरसा। ज्यादा घी यहाँ इसलिए नहीं डालना है कि जब हम बाद में इस पे तिल वगैरह लगाएंगे ना तो वो इस चिपकेंगे नहीं, इसलिए आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा घी नहीं, बस इतना भर कि खस्तापन बढ़िया आ जाए। अगर आप यहाँ पर आपको ड्राई लगे तो आप चाहे तो पानी ले लीजिए। अब जैसे मैं यहाँ हल्का हल्का सा पानी डाल करके इसको स्मूथ कर रही हूँ, आप दूध से भी कर सकते हैं, लेकिन दूध में क्या है कि फिर वो बहुत ज्यादा दिन तक अनरसे चल नहीं पाते, जल्दी खराब हो सकते हैं। आप इस तरह बनाएंगे तो काफी दिनों तक भी खराब नहीं होंगे। यहाँ पर जो आपको जरूरी बात याद रखनी है, एक तो रेशो की, दूसरी चीज ये कि जब आप आटे को इस तरह से गूंथेंगे तो एकदम इसको स्मूथ करना है, इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, मुलायम आटा लगना चाहिए, बस मसल कर इसको बिल्कुल चिकना कर लें। देखिए इस तरह का एकदम सॉफ्ट और लचीला आटा सबसे जरूरी पॉइंट है बढ़िया अनरसा बनाने के लिए। बिल्कुल देख सकते हैं आप, इसमें क्रैक्स नहीं है। और हल्का सा घी का हाथ इसके ऊपर भी लगा देंगे, जिससे कि जो हमारा आटा है वो सूखे नहीं। अब एक छोटी सी इसकी बॉल लेंगे और इस तरह से चेक करेंगे हथेली के बीच में रखकर कि कहीं बॉल में क्रैक्स तो नहीं आ रहे। परफेक्ट, बॉल में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आ रहे, इसका मतलब आटा में अच्छा मॉइस्चर है, बिल्कुल स्मूथ और परफेक्ट हमारा आटा है। अगर बॉल में आपको क्रैक्स आए, सूखा सूखा आटा लगे, तो वापस से थोड़ा पानी डालकर मसल कर उसे स्मूथ कीजिए। चलिए फटाफट से बनाते हैं अनरसा।
अब यहाँ पर अनरसे को सजाने के लिए और उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने लिए हैं 1/4 कप सफेद तिल। तिल में बहुत सारा कैल्शियम होता है और जो अनरसा है ज्यादातर बिहार वगैरह में ना इसी तरह से पूरे तिल से सजे हुए होते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह खसखस भी ले सकते हैं। महाराष्ट्र में जो दिवाली पर अनरसा बनता है उस पर खसखस लगाई जाती है, या अधिक मास में भी इसको बनाया जाता है, तो आप चाहें खसखस लगा लें या तिल। अब इसमें से एक बड़ी लोई लेंगे और इस तरह एक रोल बनाएंगे, एकदम स्मूथ रोल, और बराबर बराबर रोल में से इस तरह छोटी छोटी बॉल्स कट कर लेंगे जिससे कि जो अनरसा है सब बराबर बने। ये देखिए इस तरह हाथ पर हल्का सा घी या तेल लगाकर चिकना करेंगे और एक पेड़ा उठाएंगे और इस तरह से हथेली के बीच में रखकर इसकी एक बॉल बनाएंगे। ये देखिए इस तरह, परफेक्ट। ये देखिए इस तरह बॉल बना ली और इस तरह से बॉल को रखेंगे तिल पर और हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। मीडियम थिकनेस का और मीडियम साइज के हम अनरसा बनाएंगे जिससे बढ़िया से अंदर तक पक जाए, ज्यादा फ्राइंग में समय ना लगे और अंदर तक खस्ता बने। तो बहुत बड़े बड़े नहीं बनाएंगे, ना ही बहुत पतले, और दोनों साइड से बढ़िया से तिल को कोट कर देंगे। देखिए इस तरह से, और हाथ से हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे कि जो तिल है वो बढ़िया से सेट हो जाए। अगर खसखस लगा रहे हैं तो खसखस को भी इसी तरह लगाएं। मैं एक और बनाकर आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए ये जो हमारी बॉल है आप देख सकते हैं इसमें क्रैक्स नहीं है। अगर आपको क्रैक लगे तो वापस से आटे पर थोड़ा सा पानी लगा करके या दूध की छींटे मार करके इसे स्मूथ करना जरूरी है, वरना वो ड्राई और सख्त बनेंगे अनरसा। ये देखिए परफेक्ट। अब ये मैंने थोड़े बड़े साइज वाले बनाए हैं। एक होते हैं अनरसा गोली, अगर आप गोली बनाना चाहें तो इसी में से ये वाली बॉल लीजिए और बॉल को बस इस तरह तिल पर घुमा दीजिए और हल्का सा इस तरह हाथ में घुमा करके तिल को थोड़ा प्रेस कर दीजिए। तो ये बन गई हमारी अनरसा गोली। तो जैसे चाहे वैसे आप बना सकते हैं। मैं दोनों तरीके की थोड़ी बना लेती हूँ। और ये लीजिए मैंने इस तरह से अनरसा पैटी और अनरसा गोली दोनों ही तैयार कर ली हैं। जैसे चाहे वैसे बनाएं, कितनी प्यारी लग रही हैं। दोनों ही बहुत ही मस्त बनेंगी। तो अनरसा को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़े पैन में तेल। बहुत ज्यादा मात्रा में तेल मत लीजिए, बस शैलो फ्राइंग जैसा समझ लीजिए। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं एक को तरीका बता रही हूँ कि आपके बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। बढ़िया से तेल को मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे और बस इस तरह से अनरसा डालेंगे और इन्हें बढ़िया से फ्राई करेंगे। और देखिए डाला तो बबल्स आ रहे हैं ना, इतना गरम तेल होना चाहिए। फ्लेम शुरुआत में मीडियम हाई ही रखें, ज्यादा लो फ्लेम पर इनको फ्राई ना करें और ना बहुत ज्यादा हाई पर। ज्यादा हाई पे कर देंगे तो बिल्कुल लाल हो जाएंगे, अंदर से सिक नहीं पाएंगे, और ज्यादा लो पे करेंगे तो बिखरने का डर रहेगा। तो जितनी स्पेस है पैन में एक बार में उतने ही डालें। अभी बिल्कुल टच नहीं करेंगे, जब नीचे से एक फर्म सी लेयर आ जाएगी ना, सिक जाएंगे हल्के हल्के, उसके बाद हम इन्हें पलट देंगे। और मुझे नीचे से बढ़िया से गोल्डन कलर दिख रहा है, तो बस धीरे धीरे इनको पलट देंगे और बस इसी तरह नीचे से भी फ्राई होने देंगे और उलटते पलटते बढ़िया से गोल्डन इनको क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। अब आप फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दें क्योंकि तेल गरम बढ़िया है, अंदर तक सिकना बहुत जरूरी है जिससे कि जो हमारे अनरसा है ज्यादा दिन भी चलेंगे, खस्ता बहुत बनेंगे। और ये लीजिए बहुत ही बढ़िया और शानदार हमारी अनरसा मिठाई तैयार हुई है। जैसे आप देख सकते हैं परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट कलर, और ये तिल थोड़े बहुत निकले हैं ना, तो इसकी चिंता मत कीजिएगा। जब भी ऐसी कोई चीज बनाते हैं तो थोड़े तिल निकलते हैं तेल में, तो आप इन्हें बाद में छानकर अलग कर सकते हैं। और एकदम देखने से पता चल रहा है ना कि एकदम खस्ता बने। यहाँ जो अनरसा है इन्हें मैंने मीडियम साइज का ही बनाया है, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाया है, जिससे कि ये बिल्कुल परफेक्ट पक जाए और बढ़िया से सिक जाए। ज्यादा बड़े बनाने में समय भी ज्यादा लगता है और अंदर तक बढ़िया क्रिस्प बन नहीं पाते। और इसी तरह से हम अपनी अनरसा गोली भी फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे झटपट बनने वाले बहुत बहुत टेस्टी और हेल्दी सावन की स्पेशल मिठाई अनरसा, जिन्हें बनाना बिल्कुल बनता है क्योंकि इतने कम सामान से इतनी बढ़िया मिठाई कि जो भी खाए बस खाता रह जा रहा आप ही की तारीफ करे। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, तिल एकदम परफेक्ट लगे हुए हैं, एकदम खस्ता और ऊपर से क्रिस्पी बने हैं, और ये देखिए अंदर से भी जबरदस्त बढ़िया है ना, एकदम खस्ता बने हुए। तो देखा आपने, मेरी टिप्स फॉलो कर और मेरे स्टेप्स फॉलो कर आप भी बहुत ही जबरदस्त ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो जब सारे अनरसा इस तरह बन जाएं, तो जब ठंडे हो जाएं, तो आप इन्हें एक एयरटाइट बॉक्स में भर करके रख लीजिए, बाहर भी रखेंगे तो भी ये 15 दिन बिल्कुल खराब नहीं होंगे। तो बस अब सोच रहा कैसा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, स्पेशली इस सावन के मौसम में, तो अनरसा मिठाई आप जरूर बनाएं, बहुत ही बढ़िया बनती है। बनाना आपने देखा कितना आसान है, कोई चाशनी नहीं, कोई मावा नहीं, कोई ज्यादा महंगा सामान भी नहीं। तो फटाफट जाइए बनाइए, मुझे जरूर बताइए कैसी लगी आपको आज के ये इंस्टेंट अनरसा की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद।
जय भारत।